अपन फोटोशॉप में पढ़ते हैं, उसमें आपको अलग अलग ग्रेडियंट देखने को मिलते हैं। जिस भी टाइप का अपन ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, सेम देखिए इसमें आप दो शेप को मिलाते हैं, जिस टाइप से उसमें फिल करना चाहते हैं, देखिए अलग अलग आ रहा है आपके पास। जिस भी टाइप के आप स्टेप यहाँ पे लेना चाहते हैं, जैसे अपन ने ये सिलेक्ट किया, देखिए चेंज हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये अपना सिलेक्ट है। आप तो ऐसे और स्टेप लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। कलर अपन ने कितने लिए थे, सिर्फ दो, एक ग्रीन और एक इसमें लिया था पिंक। लेकिन अब आपको दो से ज्यादा कलर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आ रहे हैं दो से ज्यादा। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी स्टेप आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब इसमें ये सर्कल बड़ा रहे, सॉरी ये वाला रेक्टेंगल आपका बड़ा है, बाकी देखिए सब छोटे छोटे से आ रहे हैं। ऐसे आप यहाँ से दूसरी स्टेप सिलेक्ट करेंगे, इसमें फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मतलब आप जिस भी टाइप का यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर ये आपको सेव करना है तो आप प्लस पे क्लिक करना, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें क्या सेव करना है आपको, जो भी ब्लेंड आपने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, जैसे अपन करते तो पैटर्न बनाते थे फिर उसको सेव कर देते, ऐसा ही आप यहाँ से इसमें सेव कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पे डिजाइन करना चाहते हैं। फिर अभी आप देख रहे हैं, जब आप यहाँ से इसकी स्टेप सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी इसका प्रॉपर्टी बार है, प्रॉपर्टी बार तो ये पूरा ही। अब आप यहाँ वाले ऑप्शन देखना, जैसे ही आप यहाँ से इसे चेंज करते हैं, जैसे अपन ने ये सिलेक्ट किया या इसमें अपन कुछ और सिलेक्ट करते हैं, देखिए इस वाले ऑप्शन पे से क्लिक हट गया, ये ऑप्शन भी आपके सेम है जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये चेंज होता जाएगा। इसमें अब आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करेंगे, दो पॉइंट आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक कलर। आप इसे जितना यहाँ से ड्रैग करेंगे, दोनों साथ में ही आपके मूव होंगे। आप सोचेंगे एक एक करके हो जाए, एक एक करके नहीं होगा। ये देखिए आप जितना उसे वहां ड्रैग करेंगे, इधर ड्रैग करने से क्या हो रहा था, नीचे वाला सर्कल जा रहा, और ज्यादा राइट हैंड साइड पे करेंगे क्या होगा, ऊपर से ज्यादा ही ड्रैग हो जाएगा। तो जिस भी टाइप से आप इसे यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, अपन यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके आगे एक ही ऑप्शन रहता है, आप जिस भी टाइप से इसमें यहाँ पे लेना चाहते हैं। अब अभी तक आप देख रहे थे अपन जो बना रहे थे किसकी हेल्प से बना रहे थे, इसमें कलर फिल्टर की। अब जैसे आपने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, अपन इसमें कलर फिल नहीं कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं इसकी बॉर्डर में कलर फिल कर रहे हैं। जैसे आपने इसकी बॉर्डर में यहाँ से ब्लू कलर ले लिया, इसकी हेयर लाइन अपन यहाँ से बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया आपने जितनी बड़ी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। ऐसे ही आपने यहाँ पे सर्कल सिलेक्ट किया, इसे आपने यहाँ पे ड्रैग किया, इसमें भी आप कलर फिल नहीं कर रहे, इसमें भी सेम आप ब्लू कलर यहाँ से ले रहे हैं और आप इसकी विथ यहाँ से बढ़ा देंगे, आपने यहाँ से बढ़ा दिया। अब आप देखिए जब आप यहाँ से इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल सिलेक्ट करेंगे, ये जब आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अब आप इस पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, अब क्या हो रहा है, देखिए अब क्या हुआ, इसमें दोनों कलर मिक्स हो गए, क्योंकि अपन ने किसमें कलर किया था, अब इसकी बॉर्डर में, अब आपने उसमें कलर फिल नहीं किया था। देखिए फिर आपको इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप चाहें तो उसमें कलर फिल्टर भी बना सकते हैं, आप चाहते हैं देखिए इस टाइप से बन गया। आपने देखा होगा अपन बहुत सारे डिजाइन वगैरह बनाते हैं, वो आप किसकी हेल्प से बना सकते हैं, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल की हेल्प से। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए आप अलग अलग सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा। आप जिस भी टाइप का आप यहाँ पे इसमें लेना चाहते हैं, नहीं हाँ देखिए जैसे कि अभी तक अपन सिर्फ दो ले रहे थे, अब अपन इसमें यहाँ पे तीन चार ले लेते हैं। जैसे अपन ने सिलेक्ट किया, आपने एक यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, ठीक, अपन इसको ही कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कॉपी कर देते हैं, इसे अपन यहाँ रख देते हैं। अब एक अपन इसमें यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों में कलर फिल करेंगे। तो आपने पेशी टूल सिलेक्ट किया, आपने पहले इसमें कलर फिल किया, फिर अपन इसमें कलर फिल करते हैं और एक अपन इसमें कलर फिल कर देते हैं। अब आप क्या चाहते हैं, तीनों कलर को मिक्स करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पे लाके ड्रैग कर देंगे, तो क्या होगा, जो आपका बीच वाला है उसे वो सिलेक्ट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आपको कितने पॉइंट देखने को मिलते हैं, दो पॉइंट, तो वो दो पॉइंट में ही कलर मिक्स करेगा। देखिए अब आप देख रहे हैं जैसे अपन इसे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, देखिए बीच वाला रेक्टेंगल आपका वहीं से वहीं है, लेकिन अगर अपन उसको ऐसा करते हैं, जैसे अपन इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, अब आपने यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, आपने इस पे क्लिक किया, देखिए दो पॉइंट आ रहे हैं। अगर अपन इस पे छोड़ देंगे तो इस पे वो ऐड हो जाएगा, लेकिन अपन ने उसे कहाँ लाके छोड़ा, इस पे, तो उसने बीच वाले को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसके पास कितने पॉइंट थे, दो पॉइंट, तो दो पॉइंट से वो सिलेक्ट कर सकता है। तीसरा कलर वो यहाँ पे, मतलब जो भी आप तीसरा रेक्टेंगल या शेप उसे देंगे, उसे वो सिलेक्ट नहीं करेगा।
क्योंकि उससे सिर्फ 2 पॉइंट मिलते हैं। अब जैसे आप देखते हैं, अपन यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं, आपने इसमें तला फिल किया, फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एंट्रेड फिल टू, अपन इसे सिलेक्ट करते हैं, इसमें भी आप देखते हैं कितने पॉइंट मिलते हैं आपको, 2 पॉइंट। अपन इसमें 2 पॉइंट में कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा में आप नहीं कर सकते। देखिए ऑप्शन सिर्फ 2 के लिए ही आते हैं सेम, जिसमें अगर आपको 2 से ज्यादा पॉइंट मिलते तब अपन फिल कर सकते थे, लेकिन पॉइंट अपने पास सिर्फ 2 है, तो इसलिए आप 2 इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए जैसे ही आप इसमें कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें बीच बीच में कलर अपने आप भी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखना अलग अलग स्टेप है, और वो कलर किस हिसाब से ले लेता है, जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया ये वाला, तो अपने हिसाब से वो यहाँ पे कलर थोड़ा बहुत बीच में ऐड कर देता है। लेकिन आप 2 कलर ही इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 2 ऑब्जेक्ट तो आपस में आप मिक्स कर सकते हैं, कि तीसरा वाला उसमें फिल नहीं हो पाएगा, पॉइंट अपने पास 2 है। क्लियर है? इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आगे तक फिर हम आपको कल बता देते हैं। इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कर लेंगे। इससे पहले वाले में कोई डाउट हो आप लोग? क्लियर है पूरा? ठीक है।